अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। तो जी, आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है प्योर सीमेंट। इस बोरी के अंदर एक्चुअली जमा हुआ था, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ना ये पत्थर से ईंट से ऊपर ज़रब लगाई है, जिससे सारा टेक्स्चर जो पाउडर है ना वो निकल के बाहर टेक्स्चर आ गया। बट ये बहुत हार्ड है, कुछ चंक्स इसके, और धूप आप चेक कर लें, आड़िए जा रही है। मैंने कहा कि मैं जाके थोड़ा बहुत काम करना शुरू करती हूँ और फिर देखते हैं। मैं कितने बजे आई हूँ, 2 से ऊपर थोड़ा सा टाइम था तो मैं ऊपर आ गई थी, और अब मैं इस टेक्सचर को बाहर निकाला है। मैंने कहा था कि मुझे इसमें से ना थोड़ा सा प्योर सीमेंट चाहिए था न्यू डर्ट बनाने के लिए, तो ना इसको मैंने किसी टेक्सचर में शिफ्ट करती हूँ ताकि ना मुझे ये मिल सके फ्रेश वाला प्योर सीमेंट। ये पाउडर ही है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ जो है ना अंदर, ये देखें कितने कितने बड़े और हार्ड, बहुत हार्ड चंक्स है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप, लेकिन ये इतने हार्ड है कि इजीली ना हम क्रश कर सकते हैं इनको। देखिए, सीमेंट बहुत फ्रेश है। कितना हार्ड हुआ है, पता नहीं कैसे हो गया। छोड़े, मैंने इसमें से थोड़ा सा फ्रेश सीमेंट जो है ना वो निकाल लूँ के लिए। ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। मुझे इस टाइम कोई ना मोड छोटा बर्तन नहीं दिखा, इसमें बड़ा वाला टब ले लिया। इतना चाहिए, इतना ले लेती हूँ अभी फिलहाल, बाकी किसी चीज़ को डालते हैं। मैंने सिस्टर लिया हुआ है, ये मैं फ्रेश सीमेंट जो है ना अपना, जो मेरा प्योर सीमेंट का टेक्सचर नहीं, उसमें मिलाऊंगी थोड़ा और, ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं।
चलो अभी भी इतना ही चाहिए था डर्ट के लिए, मेरा सी दो टेक्सचर में डल जाएगा। दो डर्ट्स है ना मैंने उसमें लिक्विड ही बना के रखी हुई है अभी तक, उनके अंदर पाउडर ही सीमट के ऐड किया हुआ, उसके अंदर ऐड कर दूँ जाके। अच्छा मैंने ना वो जो सीमट था ना निकाला बॉडी से, जितना आधा निकाला था, आधा जो था मैंने टब में ये दाबड़े में निकाल दिया, आधा बॉडी में ही रह दिया मैंने, किसको मैं बाद में क्रश कर लूँगी। और कल मैं ये कह रही जब वीडियो बनाई थी ना तो मैं ये बकेट्स बना कर गई थी ग्रिटी रेड की जायंट साइज़ की, बट एक बकेट पता नहीं कैसे टूटी हुई है मेरी। तो मैं ना अभी खामोशी हुई है और 3:25 हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये रेड सैंड की वीडियो बना लेती हूँ जल्दी से, एक ये बना लेती हूँ और एक देखते हैं कौन सी बनाती हूँ, लेकिन देखते हैं क्या करती हूँ आगे। अच्छा रेड सैंड की मैंने वीडियो बना दी, मैंने ना ये 3 चंक्स मिनी चंक्स रखे थे, मैंने कहा था मैं इस छोटी सी बकेट में क्रमिंग करूँगी इसकी। मैं सोची थी कि ना मैं वहाँ पर मुझे ग्रिटी सीमेंट है ग्रिटी कॉर्न के डेट पर ही ना सैंड उसकी ना क्ले पॉट में पूरी वीडियो बना देती हूँ, वो वीडियो बना लेती हूँ जल्दी से। चलो टेक्सचर मैंने निकाल दी है टब से, कुछ चंक्स निकाले हैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि शेप थोड़ी ही बनाऊँ मैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत सारे भी काम करने हैं तो मेरे चंक सेव कर दिए कुछ। ये छोटे से चंक स्क्रम्बल करने का जस्ट यही मकसद है कि मैं याद रखती हूँ अपने उन सब्सक्राइबर्स को जिनको डैम क्रम्बलिंग पसंद है, ज़रा सी कर देती हूँ जस्ट वो उनको थोड़ा सा अपने पसंद की कोई चीज़ मिल जाए ब्लॉग के अंदर। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ब्लॉग के अंदर ना हर चीज़ थोड़ी बहुत शेयर करती रहूं, ताकि किसी को कुछ पसंद आ जाता है, किसी को कुछ पसंद होता है, कोई शेप्स मेकिंग पसंद करता है, कोई टेक्सचर्स को क्या कहते हैं क्रश करना पसंद करता है, कोई शिफ्टिंग पसंद करता है, कभी मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी चॉइसेस जो है ना सेम नहीं होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ वो भी कर दूँ अगर पॉसिबल है, ये भी ऐड कर दूँ, ये भी ऐड कर दूँ, आपको ये चीज़ इजी लगती होगी, लेकिन यकीन माने हर चीज़ को रिकॉर्ड करना इजी नहीं होता है। और इतने लंबे लंबे व्लॉग बनाने का हम इतने लंबे लंबे व्लॉग बना रहे हैं मतलब हम बड़े ही वेले हैं, नहीं हम जस्ट इसलिए बना लेते हैं कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा काम शेयर करते रहें, ताकि आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको कुछ नहीं, किसी को क्रम्बलिंग नहीं इतनी अच्छी लगती है, किसी को बस शेप्स मेकिंग अच्छा लगता है, किसी को शेप्स मेकिंग अच्छी लगती है, किसी को पेस्ट प्ले अच्छा लगता है, किसी को पाउडर मिक्सिंग, कुछ भी मतलब हर एक ही डिफरेंट चॉइसेस है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो ये भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ, हर कोई सेटिस्फाई, हर कोई पसंद करे भाई व्लॉग को, ये नहीं है कि भाई एक ही बंदे की प्रेफरेंस को बंदा हर चीज़ को एक ही चीज़ को प्रेफर करता रहे, भाई ये उसको ये पसंद है चलो यही करी जाओ, नहीं मेरी कोशिश होती है मैं हर ओवरऑल अपने काम को लेकर चलूँ कर दी। तो मिलते हैं भैया आपसे बाद में इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाने के। चलो जी आज ब्लैक डर्ट की क्रमलिंग करते हैं इस क्ले पॉट में।
और भी शेप्स पड़ी हैं, चंक्स पड़े हैं, आए हैं मतलब स्लैब्स पड़ी हैं एक दो, वो भी करते हैं और उसके बाद एक और डर्ट की क्रबिंग करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर पूछते हैं कैसे बनाई है आपने, कैसे बनाई है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये लिक्विड होता है ना चारकोल टेक्सचर के मेरे, उसकी लिक्विड की बनी हुई है और इसके अंदर मड शर्ड कुछ नहीं ऐड किया हुआ मैंने, इवन कि मेरी हर डर्ट टेक्सचर की लिक्विड से बनी हुई है, मैंने इसके अंदर सीमट और जो टेक्सचर का लिक्विड निकलता है जस्ट वही ऐड किया हुआ, कोई मड अंदर नहीं ऐड की हुई फॉर्म बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए, जस्ट टेक्सचर है लिक्विड का और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे सब टेक्सचर प्योर है, जो मड डर्ट का टेक्सचर है सिर्फ वो ही मड वाला टेक्सचर है। वो बता दूँ जो टेक्सचर लिक्विड उन्हीं टेक्सचर्स के बनते हैं जो टेक्सचर आपने खुद तैयार किए होते हैं। ठीक है, जो खुद तैयार किए होते हैं रेडीमेड नहीं होते हैं, यानी कि जैसे कि हमने बाज़ार से कॉन्क्रीट लाया, सैंड मिला दी, सीमेंट मिला दिया और फिर उस टेक्सचर को हम लिक्विड निकालेंगे, उसका टेक्सचर का लिक्विड नहीं निकलेगा। जो टेक्सचर खुद क्रश करके बनाए हो ना, खुद उसको पाउडर फॉर्म में बनाया हो, खुद उसको रेडी किया हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचरों से, तो जाके कहीं आपका टेक्सचर का इतनी क्वांटिटी में लिक्विड निकलता है कि आपकी एक डर्ट रेडी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊँगी मेरी रेड डर्ट का टेक्सचर है वो भी प्योर लिक्विड से बना हुआ है, उसके अंदर कोई मड नहीं ऐड है, वो लिक्विड से बना, लिक्विड फॉर्म पता है आपको समझ आती है ना, मैं कितनी दफ़ा क्लियरली बता चुकी हूँ। तो चलें थोड़ी सी और कंप्लीन करते हैं। तो ये भाई प्योर लिक्विड है और इसमें कोई मड वड नहीं आएगा। इस टेक्सचर का पेस्ट प्ले माइक इधर गया, अच्छा एक मिनट को, इस टेक्सचर का मैं पेस्ट प्ले करके आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम किसी दूसरे टेक्सचर की क्रमलिंग की तरफ जाएंगे। आपको सब्सक्राइबर कहेंगे आप भाई वाटर ही काट लेते सीधे, नहीं मेरा ड्राई क्रमलिंग करने को दिल चाहता ब्लैक डर्ट की।
यार मेरा 10K कम्प्लीट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग कुछ आइडियाज़ दो, अगर कोई आइडिया मुझे अच्छा लगा या कोई आइडिया मेरे बस में हुआ तो आई विल ट्राई। चलो क्ले पॉट करो, गर्मी के मज़े ले लेते हैं गर्मी की, लेकिन इसको बाल साफ करना है बहुत बुरा मुश्किल लगता है, हमने टूट जाना सीधे चले गए। चले कुछ शिकवा ना कड़े के पेस पे नहीं करते दिखाया, चले ओके डन। चले अब किसी और डर्ट की ड्रमिंग करते हैं, टेक्सचर उठा लूँ मैं, टब इसलिए नीचे रखती हूँ टेक्सचर इर्द गिर्द बिखरे ना, क्योंकि क्ले पॉट छोटा सा है, क्रबलिंग करती हूँ टेक्सचर इधर उधर गिरता है, नीचे सैंड गिरी होती है, फिर मुझे वो टेक्सचर उठाना है, कि तो उठाऊँगी तो उसमें रेत चली जाएगी, तो मैं इसलिए ना केयर के लिए, जस्ट केयर के लिए टब रखती हूँ क्रबलिंग करती हूँ। चले
सोच रही थी एक और डर्ट की कभी कर, मेरा ग्रेयर डर्ट की कभी करने का बहुत दिल कर रहा था, पर ना उसके आगे ना टू डेड फिटी के सिलेंडर पड़े हुए हैं बिग साइज़ की जो बकेट्स में, मेरे को टूल के जो आगे नाजुक सी है। मैं कल इंशाल्लाह ताला भाई मैं डार्क ऐनक नीचे आई थी ना, तो कल मैं इंशाल्लाह ताला ग्रेयर डर्ट की वीडियो बनाऊँगी आप, ड्राई भी और वाटर भी। ड्राई कभी मुझे करके ना उसका पेस्ट बना के उसके ऊपर क्रबलिंग ऑन द पेस्ट करूँगी। चलो इसको भी पेस्ट ले करते हैं और चलो मैं और क्रबलिंग करती हूँ, पर पीछे ना फिलहाल शो चल रहा है इस टेक्सचर की। ठीक है ये देखिए मैं पानी लेकर आई, हम इसमें भी पानी डाल लेते हैं। सस्ते जुगाड़ माइक ना धुल जाए, क्या मैं अपनी टेक्सचर को ना वेस्ट बिल्कुल नहीं होने देती है, क्योंकि ये बहुत ही प्यार मोहब्बत और जोखनों से बने हुए हैं। चलने भाई ये धुल दी धो दिए मैंने माड़ा मोटा, ये देखिए इसका भी पेस्ट प्ले कर लेते हैं। नजर आ रहे ये टब कितना गंदा लग रहा है, थोड़ा पानी लाऊं। ये देखिए छोड़ते और मेरे हाथ से मुझे इधर ही लॉक एंड कर देना चाहिए, मुझे शोर बहुत हो रहा है। तो मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह ताला कल नए व्लॉग के साथ, मैं एक नए व्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल इंशाल्लाह ताला मेरी ट्राई है कि मैं मुल्तानी में ठीक क्रबलिंग करूँ। मैंने इसकी क्रबलिंग की है, इवन कभी मैंने उसके अंदर से कोई सैंड वगैरह कुछ नहीं निकाला, बस टब में पड़े रहने दिया मैंने उसको, और मैंने उसकी क्रबलिंग की तो इतना मज़े का टेक्सचर लग रहा था ना। ये जल कल इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा ड्राई हुआ होगा तो मैं आपको उसकी क्रबलिंग करके दिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। अल्लाह आप सबको अपने जमाने अल्लाह हाफिज़।